मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान एम्बेसी का कारनामा, वहां के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा हज के ऊपर पैदल। पैदल हज यात्रा पर निकले शिहाब चित्तूर के साथ पाकिस्तान की गंदी हरकत। पहले वीजा के लिए हाँ किया, फिर सुरक्षा का हवाला देकर कर दिया इनकार। अब भारत के इस इमाम ने पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि एक अकेले शख्स से पाकिस्तान को आखिर क्या खतरा है, जब तमाम मुल्कों से लोग पैदल हज यात्रा पर आ रहे हैं, तो सिर्फ भारत के मुसलमान से पाकिस्तान को आखिर डर क्यों लग रहा है? ये देखो कहते हैं कोई शेडिया वाले, पूरी दुनिया कितनी अच्छे तरीके से रोक सकती है, हिंदूज भी सपोर्ट दिखा रहे हैं। आरोप लगाता है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं, दूसरी तरफ वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की भी बड़ी बड़ी बातें करता है, दूसरी तरफ कहता है मुसलमानों के साथ असल में खड़े होने की, तो पाकिस्तान ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया, या ये कहे कि पैदल हज यात्री से धोखा कर दिया। दरअसल हज यात्रा के लिए पैदल निकले केरल निवासी शिहाब चित्तूर को पाकिस्तान ने वीजा देने से साफ साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीजा ना देने की बात कही है। इस बात की जानकारी मजलिस एहरार इस्लाम के मुख्यालय में शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने दी। उन्होंने कहा कि शिहाब चित्तूर के साथ पाकिस्तान दूतावास धोखा किया है। पंजाब के इन इमाम ने न सिर्फ भारत सरकार से गुजारिश की कि शिहाब के लिए मक्का मदीना जाने का कोई और रास्ता बनाया जाए, बल्कि पाकिस्तान को भी आईना दिखाने का काम किया है। इमाम ने मोदी सरकार से मांग की कि पाकिस्तान के बजाय चीन के रास्ते मक्का जाने के लिए भारत सरकार शिहाब की मदद करे। वहीं इमाम ने पाकिस्तानी सरकार को खूब खरी खरी सुनाई और उनकी पोल खोल कर रखी। पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है, तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा, वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेके मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोजाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतजार करना चाहती, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं कही, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बताते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकर्रमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते, तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। सही बात कर रहा है। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहाँ की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चित्तूर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए, पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। इज्जत तो जिल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन हो जो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीजा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीजा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहां से मक्का जाने का वीजा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते, मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है। मैं अगर ये मान लूं तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि दो चार कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन सा मुसलमान हो यार? अगर दो तीन कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार स्पेशल तौर पर इसको वीजा देने के लिए तैयार है कि बंदा पैदल हज पे जा रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर शहाब चित्तूर को पाकिस्तान एम्बेसी वीजा नहीं देती,
तो फिर आप चाइना के रास्ते विदेश मंत्रालय को कहें कि चाइना सरकार से बात करके ले लद्दाख के रास्ते चाइना में से 5-10 दिन में गुजरना पड़ेगा। ये जरूर है कि ये सफर जहाँ 8,500 किलोमीटर में पूरा होना था वहाँ 9,000 किलोमीटर में पूरा होगा, 9,000 समथिंग के अंदर जाके पूरा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैंने शाह चतुर से जब जब मुलाकात की, एक बात मैं आपको ये बता दूँ और पाकिस्तान अम्बेसी को भी बता दूँ कि आप किसी के इरादों को नहीं बदल सकते, और सारे यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि बताओ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पासपोर्ट नहीं ले रही पाकिस्तान अम्बेसी अभी तक, दिल्ली में धक्के खा रहा है शाह भाई के जो भाई हैं, रोजाना अम्बेसी के धक्के खा रहे हैं पाकिस्तान अम्बेसी के, उस अम्बेसी के जो ये शोर मचाती है कि हम मुसलमानों के बड़े अलमबरदार हैं, जी हमारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुसलमानों के लिए, उनके दरवाजे पे रोज धक्के खा रहे हैं वहाँ, कोई दर नहीं होता रोजाना, पैसे का गेम है। कभी कहते हैं आ जाओ, कभी कहते कल आओ, कभी कहते फलां मिनिस्टर के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, ये कागज लिखवा लो, वो कागज, बताओ जितने सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूँ, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान अम्बेसी का कारनामा, वहाँ के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा हज के ऊपर पैदल, तुम्हारे सारे मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं, हजारों लोग पैदल के लिए जाते हैं, रशिया से लोग पैदल हज पे पहुंचे, पिछले साल इंग्लैंड से लोग पैदल हज से पहुंचे, कितनी और रियासतें हैं तजाकिस्तान के, अज़बकिस्तान के लोग पैदल हज के लिए पहुंचे, किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, भारत का एक मुसलमान पैदल हज पे जा रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर दर्द हो गया है। तो देखा आपने पाकिस्तान किस तरह से दोहरा रवैया अपनाता है, जहाँ एक तरफ वो इस्लाम के साथ खड़े होने की बातें करता है, भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पवित्र स्थान पर जाने के लिए किस तरह से रोक लगाता है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? ऐसे में आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस हरकत पर? इस बंदे को मैं भी, मतलब मैंने भी बड़ा सोशल मीडिया पे वॉच किया इसको। देखो मैं सच्ची बात करूँगा, इंडिया का सिख, इंडिया का हिंदू, इंडिया का यहूदी, हर कोई, मतलब क्रिश्चियन इसको सपोर्ट दिखा रहे हैं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।